आपको आपको मजा आ जाएगा मतलब तो आप बोलोगे कि यार वाह हमारे यहां पे किसी ने ऐसा कुछ लिखा और और फिर फिर उसको उसको शूट किया और फिर उसको एडिट करके आपको दिखाया वो हाँ, वो क्या होता है ना कि अभी वो, अभी अच्छा जो लिख रहे हैं उसकी बहुत ऐसी कदर हो रही है ऐसे कंटेंट so, को अब सराहा जा रहा है और लोग इसे यू नो ढूंढ ढूंढ धूंड के देख रहे हैं और ओटी टी में भी मूवी लाइक दैट नाउ पहले से थोड़ा और धाड़स आ गया है क्या कि मतलब अब ये बना सकते हैं अब ये चल रहा है अभी आज सिनेमा बदल गया है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने लोगों का टेस्ट काफी डेवलप हो गया है जी और ऑडियंस हर तरह का कंटेंट देखने के लिए आज तैयार है और आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्टार्स की मूवी चलेंगी आ, या तो बहुत फेमस लोगों की मूवी चलेगी ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी अच्छा एक्टर अच्छा कंटेंट के साथ आप कुछ बढ़िया बना रहे हो तो लोग देखने जा रहे हैं हुँ. आप अभी ऑडियंस को आ, आप नहीं जज कर सकते कि ये फिल्म देखने जाएगी या ये नहीं जाएगी हुँ. वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है एक तरह से ये चैलेंज है आज वर्ल्ड पूरी दुनिया में जिस तरह से वेब प्लेटफॉर्म्स पे इतने अच्छे अच्छे वेब सीरीज आ रहे हैं लोग घर बैठे पूरी दुनिया का मटेरियल देख रहे हैं बेस्ट ऑफ द एक्टर्स को देख रहे हैं करेक्ट पूरी दुनिया का देख रहे हैं वो ऐसे में एक फिल्म देखने के लिए इतने पैसे खर्च करके टिकट कटा के ऑडियंस जाने के लिए थोड़ा सा अभी सोच रही है है ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम सिनेमा सिनेमा के लिए सिनेमा, क्योंकि उनको मालूम है कि दो से तीन महीने में तो ये वेब प्लेटफॉर्म पे आने ही वाली है फिल्म तो, तो, तो हम क्यों जाए उससे जल्दी तो आपको इतना इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा ऑडियंस में कि उनको लगे यार इतना इंतजार नहीं कर सकते कि hmm. ये वेब पे आओ और हम देखें चलो यार टिकट लेते हैं और जाके देखते हैं जी मैं आपसे बात पूछूं अगर ये सब मान ली भगवान करे पिक्चर बहुत अच्छी चले थिएटर्स में भी पर अगर ये थिएटर्स पे उतना समझो नहीं कर पाई लेकिन ओटीटी पे लोगों ने बहुत इसको पसंद कर लिया तो वुड यू स्टिल बीपी हैप्पी एक्टर नो आई वुड नॉट आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ फिल्म टू वेल इन दिएटर That's, that's because the thing, thing. is that, uh, ये film जिस तरीके से ट्रीट की गई है जिस तरीके से बनाई गई है जिस तरीके की इसकी कहानी है जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है इसका आई थिंक इस ये डिज़र्व करती है कि इसको आप थिएटर में जाके देखो और आ, मुझे ऐसा लगता है कि ये आ, मुझे तभी अच्छा लगेगा अगर ये फिल्म जो है वो लोग थिएटर में जाके देखेंगे बिकॉज ये फिल्म डिज़र्विंग है उस चीज़ hmm. ये फिल्म डिज़र्व करती है मुझे भी लग रहा है थोड़ा वो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी लिखाई बहुत अच्छी होती है आज की इंटरनेशनल लेवल को टक्कर देने वाला वो ट्रे ट्रेलर देखा है मैंने और एक रात में ये दोनों का ये दोनों का सीन क्या है कादर और जावेद का मतलब ये लोग क्या बेस्टीज हैं ये लोग ये लोग क्या है मतलब एक तेरे लिए जान दे देगा मैं वैसे वाले है, है कुछ ही? उसी तरह का लेकिन उससे आगे बता नहीं पाएंगे वरना वो खत्म हो जाएगा <laughs> मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ना बोर्ड लेके आना चाहिए किसके लिए फिल्म देखो क्योंकि क्या है इसमें बहुत कुछ चल रहा है एक तरफ से पोलिटिकल सिस्टम है एक तरफ से पुलिस फोर्स है एक तरफ से अंडरवर्ल्ड है और एक रात है और उस रात में इतना कुछ हो रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन कर रहा है क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है और जब तक तो उनको समझ आता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है हाँ, मैंने तो तो देखा जावेद तो खुद पुलिस को बोल रहा है कि तो, आप तो लेट हो सो बजाने में हाँ, तो बहुत आ, मतलब ये, तभी मैं रहा हूं कि वो और वो स्क्रीन प्ले जो है ना उसका है। मजा आपको तभी आने वाला है अंदर और ज्यादा मजा आने वाला है अगर आपको कुछ ना पता हो तो आप अपनी कहानी वापस लेके आओगे और फिर उसका मजा ये है कि अगर आप थ्रिलर वाले इंसान हो तो जैसे हम लोग जब यूज आई थी तो हम लोग कैसे उसको दूसरी बार देखने के लिए तीसरी बार भी देखने के यार ये कैसे पुल ऑफ किया इन लोगों ने तो आई एम नॉट कि इसका उससे कोई लेना देना है क्योंकि ये कहानी बिल्कुल टोटली डिफरेंट बड़ी रूटेड है। फिल्म है मुंबई की कि ऐसा लग रहा है कि इसमें आप वो आप फ्रेम नहीं मिस कर सकते हो लाइक like, थिएटर में आप बैठे होते हो सुसु करने नहीं जा सकते हो जी Correct. जी क्यूँकी अनप्रीडिक्टेबल है आगे हाँ. क्या होगा इंटरबल पॉइंट हाँ. हो जाऊंगी की जाऊ की ना जाऊ <laughs>

क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनकी जिंदगी में तो वही सब अच्छा ही अच्छा रहता है हाँ। लेकिन जो लोग थोड़े ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं उनमें उनकी लाइफ में हर दिन एक नई कहानी होती है तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसीलिए शायद गैंगस्टर्स हो या ड्रग लॉर्ड्स हो उनकी चीजें देखने में हमें मजा आता है क्योंकि हम एक कहानी देख पाते हैं मुझे बड़ा बुरा लगा था जब आपको गुलाल मूवी में से टांग दिया था देखा है कि जावेद जो है वो कहीं ना कहीं कादर का डर्टी वर्क कर रहा है मतलब उसको सिक्योर करने के लिए मैं इन सबको निपटा दूंगा कि तू बन जाए डॉन ठीक है बट आप लोग को कभी क्रिएटिव प्रोफेशन कभी कभी किसी दोस्त की मदद करनी कभी किसी और का डर्टी वर्क करना पड़ा है I'll give my example. मेरे एक को किसी से करना था। उसको 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 हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। so, देखिए ऐसा ऐसा। लग लग रहा रहा है रोने गई में। मैं उसको संभाल रहा हूं। जैसे मैंने कुछ कर दिया सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। क्या है तुम्हें कुछ कभी आपने किसी का डर्टी वर्क किया तो बधा ही बड़ेगी अभी यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज <laughs> आपने एक एग्जाम्पल दिया लड़कियों का वैसे ही बहुत सारा कुछ इनके बीच में फाइट्स हो जाती थी मैं सॉर्ट आउट करने जाता था डी यू में जा रहा हूँ किसी लड़के वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई मैं जाके वहाँ पे कर रहा हूँ अब एक लड़का था बिहार का था ऑब्वियसली मैं भी बिहार का हूँ मैं स्टीफेंस में था वो रामजस में था रामजस में बहुत ज़्यादा बिहारीज पढ़ते हैं मैं डी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो एक लड़की को पसंद करता था और वो उससे मिल नहीं पाता था

और उसी वक्त उसका पूरा रोमांस उससे टूट गया तो जब भी मैं <laughs> किसी का कुछ ऐसे कवर अप करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे लेने के देने पड़ रहे थे तो फिर बाद में मुझे पता चला नहीं जिसका जो काम है वही करने दिया वही करने जी मैं आपके साथ कभी हुआ है फिल्मों में भी होता ऐसा है। बिल्कुल होता था और बुरी बात ये थी कि

की जिमी का जो लुक है इस मूवी में वो पेड्रो पासकाल की तरह लग रहा है yeah, here, here तो मैं आपने अभी 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 को को पूछने वाला हूं कि क्या वाकई देखा हाँ, देखा ना, देखा होगा गेम ऑफ़ है है ना ना नहीं जिमी के किसी न किसी एक्टर से लोग मिलाई देते हैं <laughs> 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 Jimmy, नहीं।, आ, नहीं मतलब बड़ी मेहनत की होगी उन लोगों <laughs> ने इससे पहले मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आ, कुछ सात आठ साल पहले तक वो आ, बैरी पेपर को लेके था कि ये बिल्कुल तो मेरी एक फोटोग्राफ थी उसको और बिल्कुल उसको तो वो मैं समझ सकता था क्योंकि वो सारी इतनी सिमिलर निकाली उन्होंने to, uh, Google it, बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल्स भी ऑलमोस्ट वैसे वाले निकाल लिए उन्होंने कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अरे यार हाँ सच में दोनों तो मैच करी हैं फोटोग्राफ <laughs> उससे <laughs> पहले एक कोई और था दिस oh, वन oh, ये प्लीज दिखाना चाहिए दिस इज ये तो बहुत <laughs> ये, ये लेटेस्ट तो है नहीं एक 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 आ, और है जिसमें एकदम हेयर स्टाइल्स भी सेम है बिल्कुल एकदम हाय साहब हां तो so, ये एक्टिव ना होते हुए भी हमारी एक्टिविटी जो है ऐसी चलती रहती है <laughs> 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 इतने सारे दिग्गज एक्टर्स हैं और यू नो साजी शिंदे भी हैं रजा मुराद हैं इतने दिग्गज एक्टर्स हैं मैंने ना हीरोइन से बहुत सुना हुआ है खासकर हमारे 80s 90s की हीरोइंस

बहुत ही बेहतरीन एक्टर है कंट्री एंड सयाजी शिंदे रजा मुराद सारे लोग अच्छे एक्टर्स हैं तो आप इनके साथ काम करते हो कुछ ना कुछ आपसे आप इनसे सीखते जरूर हो कुछ ना कुछ तो रजा मुराद साहब का बैरिटोन वैसा ही है अभी भी वैसा ही है। वैसा ही है, वैसा वैसा ही है, है हा, हाँ, आप में से कोई उनकी आवाज निकाल सकता है मुझे हमेशा उनकी आवाज नहीं मैं तो ऐसे करता नहीं हूँ यार कभी किसी ट्राई तो करो आवाज नहीं निकाली नहीं आपने निकाली होगी आप उनको इशारा कर रहे हो कि मैं यहाँ पे होता नहीं बट उनकी आवाज अभी भी बहुत वैसे भारी है बहुत भारी आवाज है अच्छी आवाज है उनकी हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम तो ऐसे बात करो मुझसे समथिंग दिस इज गुड हैज देर बीन अट इन योर लाइफ बिकॉज ये एक रात बहुत जिंदगी बदलने वाली है Has there been a night in your life जहां आप लोग की लाइफ चेंज हो गई एक एक कॉल आ गया एक ऐसा कुछ हो गया एक वीडियो रिलीज हो गया you know? My life just changed. हाँ वैसे ही होता है मतलब लाइफ में जैसे जब मैंने स्क्रीन टेस्ट किया था अक्स के लिए मेरी पहली मूवी तो मेरी सिस्टर की शादी थी और मैं पटना चला गया था अच्छा तो जाने से पहले राकेश मेहरा ने मेरा नंबर लिया लैंडलाइन नंबर ऑब्वियसली पटना का मैंने दिया जी तो जिस दिन शादी हो गई उसके रात को ही फोन आया और मेरी छोटी बहन ने कहा कोई राकेश मेहरा बॉम्बे से है <laughs> और उन्होंने बोला कि अभिमन्यु हो मैंने कहा पटना में सर मैंने बताया था सिस्टर की शादी है ओके कम यू हैव हैलेक्टेड

कभी कभी दिख जाता है तो लगता है कि हाँ यार टाइम इज फ्लाइंग टाइम इज फ्लाइंग ग्रेट टाइम टू आस मेरे शो का नाम मुंबई लोकल है लास्ट टाइम यू ट्रैवल्ड इन मुंबई लोकल हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन मुंबई या आई टू इन माय स्ट्रगलिंग डेज बट आई थिंक बीस साल से तो नहीं किया आपने कब किया किया था? मैंने बहुत किया। मैंने बहुत ट्रैवल शूटिंग भी आ, आ, काफी की है उसके बाद भी पर इनिशियली तो जब मैं बॉम्बे आया था सालों साल हम लोग मैं टाउन बहुत आता था अच्छा तो म, मेरे क्योंकि सारे दोस्त और कुछ जान पहचान के लोग इधर टाउन में ही रहते थे तो मेरा बहुत ज्यादा आना जाना लगा रहता था, था और सबसे वही फास्ट होता था अंधेरी से वो फास्ट पकड़ो पकड़ो टाक से <laughs> और इधर आके कहीं महालक्ष्मी या कहीं पे उतर जाते थे डिपेंडिंग ऑन फ्रेंड इज कमिंग टू बिकॉज गाड़ी वहाँ खड़ी होती है हो, वो तो उतरते थे उसमें बैठते थे फिर इन लोग के साथ टाइम बिताते थे अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था फिर मेरी कई फिल्में हैं दिलविल प्यार व्यार में भी ट्रेन रूल में हमने शूटिंग की है काफ़ी कुछ ऐसा किया है और भी कुछ फिल्में थी जिसमें हमने वो ट्रेन में शूटिंग की है और इनफैक्ट अभी मैं किसी को बोल रहा था कि मैं आ, एक बार इससे पहले कि ये लोग कोई चीज को डिसकंटिन्यू करने आज तो बड़ी जल्दी सब चीजें हो, हो रही हैं है। और मैंने कहा इससे हो जाए हम लोग को एक

Oh cool. या कहीं भी शॉपिंग मॉल में आप फ्रीली घूम नहीं सकते मगर अगर आपको स्टार वाली लाइफ चाहिए तो ये लाइफ तो आपको मिल नहीं सकती नहीं मिल सकती है तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है मुझे तो नहीं है wow. Wow. पर कभी कभी थोड़ा सा वो लगता है कि यार प्लीज थोड़ा सा मुझे भी अपना स्पेस दो hmm. मगर हो नहीं पाता आप गोवा हाँ। में जा रहे हो रेस्टोरेंट में बैठो वहाँ भी कुछ लोग आ जाएंगे यहाँ भी आ जाएंगे तो दैट इज द प्राइस यू हैव टू पे

मैं पूरे कपड़े पहन के आने लग गया हूँ ऑफिस और दूसरी चीज आप ये देखोगे उस टाइम पे ओनली ऑटोग्राफ कितना ब्यूटी थी आ, वो उसका ये था कि अगर आप रुक के उतना टाइम निकाल के नहीं। वो नहीं। कर देते थे तो वो पेशेंस होती आ, थी ठीक है पेन निकालना कभी पेन नहीं चल, चल रहा फिर उसको करना ठीक है अब आप कैमरे के रह साथ कैमरा

अलग लग रहा <laughs> कभी नोटिस करना <laughs> ये मूवी जो लोग देखने जा रहे हैं मैं जेन्युनली एक्साइटेड हूँ आपको मेरे यू नो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होगा द इट्स रिच लाइक स्क्रिप्ट कंटेंट कंटेंट स्क्रिप्ट का मजा आ जाएगा वो क्या एक्सपेक्ट मैं जानता हूँ थ्रिलर एक्सपेक्ट करने वाले बिफोर एफ सयाजी हिंदी के साथ मैं मैंने सुना है कि हर पिक्चर में वो ऐसा एक मोनोलॉग दे देते हैं कि पूरा सेट खड़े होकर देखता है कि मतलब इसने क्या आप खड़े-खड़े बोल दिया बस किया है उन्होंने इस मूवी में इस मूवी में पता नहीं किया है कि नहीं मगर आप ये बात सही कह रहे हैं बिकॉज़ मैंने उनके साथ कुछ दो-तीन तेलुगु फिल्में की हुई हैं हां तो तेलुगु में एक मात्र एक्टर है जो पूरे के पूरे पेज याद करके एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होता और वो सारी लाइंस बोलते हैं और मैंने उनका हाथ पकड़ा मैंने कहा आप क्या कर रहे हो आप क्या हमको हम इज्जत से जीने दोगे कि नहीं है? हम मुश्किल से दो चार लाइनें याद कर पाते हैं बाकी हम प्रॉम्प्टिंग लेते हैं आप तो मतलब ये क्या है और डायरेक्टर भी एक वर्ड गलत होने पर उनको बोलता है कि वो एक वर्ड आपने गलत बोला तो वो मेमोरी वो कमिटमेंट किसी एक्टर में मैंने नहीं देखा मतलब मैं खुद भी एक पेज

लिटिल प्रेसी ऑफ द होल थिंग इस मूवी को आप देखने जा रहे हो तो क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे आजम से आजम से आप एक्सपेक्ट करोगे एक रोलर कोस्टर राइड और आजम से आप एक्सपेक्ट करोगे अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंटरटेनमेंट और फाइनली थ्रिल माइंड गेम माइंड गेम फॉर श्योर गुड डायलॉग्स अमेजिंग ट्रीटमेंट आपको

है मजेदार फिल्म है आई थिंक सबको जाके फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में चलती है तो पचास और नए डायरेक्टर्स नई कहानियों को लेके आएंगे और वो कुछ अलग बनाएंगे जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं अदरवाइज बोलते हैं सेम 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 चलता रहता Correct. है करेक्ट तो ऐसों को भी चांस मिलना चाहिए टू ग्रेट स्टोरी टेलिंग और hmm. इतना मुझे आप लोगों में एक कॉशियसली पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मुझे वो देख के मजा आ रहा है कि कुछ अच्छा निकलने वाला है और ऑडियंस का इसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि उन्हें कुछ कड़क देखने मिलने वाला है तो आई यू सो लवली चैट दिस इज बीन बिल्कुल दिल से की है थोड़ा सा ही पेपर पे लिखी है तो थैंक यू सो मच ऑल थैंक यू बजाते रहो